अहम खबर आपको दे रहे हैं। कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए उनकी रिहायशगाह पहुंच गए हैं। नवाज शरीफ चौधरी शुजात से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नून लीग और काफ लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट और सियासी इतिहाद पर भी गौर होगा। आपको बता रहे कि नवाज शरीफ चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए उनकी रिहायशगाह पहुंच चुके हैं। मुलाकात में नवाज शरीफ मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। नून लीग और काफ लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट और सियासी इतिहाद पर भी गौर किया जाएगा। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं कि कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए उनकी रिहायशगाह पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ चौधरी शुजात से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नून लीग और काफ लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट और सियासी इतिहाद पर भी गौर होगा। अहम खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं कि कायद नून लीग नवाज शरीफ चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए उनकी रिहायशगाह पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ चौधरी शुजात से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नून लीग और काफ लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट और सियासी इतिहाद पर भी गौर किया जाएगा। अहम खबर आपको दे रहे हैं, कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए उनकी रिहायशगाह पहुंच चुके हैं। डेप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ हैं। हसन बताइएगा, नवाज शरीफ पहुंच चुके हैं रिहायशगाह पर? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन की रिहायशगाह जहूर इलाही रोड आमद हुई। नवाज शरीफ के हमारा मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइजर राना सनाउल्ला, पंजाब के सदर राना सनाउल्ला और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज, साद रफीक, सरदार रियाज सादिक और आजम नजीब तारर पार्टी के दीगर रहनुमा भी मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। नवाज शरीफ और लीगी क्यादत की आमद पर मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं ने उनका इस्तकबाल किया, जिसमें सालक हुसैन, शाफे हुसैन, तारक बशीर चीमा और इम्तियाज राजा शामिल हैं। नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और चौधरी शुजात हुसैन ने नवाज शरीफ के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि हमें दोनों को मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर जो है वो चलने पर इत्तेफाक होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ की क्यादत की आइंदा आम इंतखाबात में बाहमी तआवुन पर भी बातचीत जारी है। मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट के लिए जो है मुस्लिम लीग काफ को सीटों की तादाद के हवाले से पेशकश कर सकती है। इस हवाले से मामला जो है वो तय किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ का मुलाकात के बाद अपनी पार्टी की क्यादत का भी इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। मुस्लिम लीग काफ की क्यादत लीगी क्यादत से मुलाकात बारे अपने रहनुमाओं को भी इस्तेमाल में लेगी। ठीक है, डेप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि नवाज शरीफ चौधरी शुजात से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के लिए उनकी रिहायशगाह पर इस टाइम पहुंच चुके हैं कायद मुस्लिम लीग। नवाज शरीफ चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए उनकी रिहायशगाह पहुंचे हैं। नवाज शरीफ चौधरी शुजात से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नून लीग और काफ लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट और सियासी इतिहाद पर भी गौर होगा। कायद मुस्लिम लीग नवाज शरीफ चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए उनकी रिहायशगाह पहुंच गए हैं। इसी पर बात करेंगे, लियाकत अली हमारे साथ हैं। लियाकत बताइएगा। आज बिल्कुल, मुस्लिम लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और दीगर लीग की क्यादत जो है वो थोड़ी देर कबल जो है श्री शुजात हुसैन की रिहायशगा पर पहुंची है। और रिहायशगा पर पहुंचने पर जो यहाँ पर नूली के कारपुर थे उन्होंने अपने काय की गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर की और उसके बाद घर में दाखिल होने पर जो है वो लीगी क्यादत में सालक हुसैन, शाफी हुसैन, इन्होंने नवाज शरीफ और लीगी क्यादत का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ जो है वो श्री शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की, जबकि श्री शुजात हुसैन ने नवाज शरीफ की वतन वापसी पर उन्हें मुबारकबाद दी और उनके मुस्तकबिल के लिए देख ख्वाहिशात का इजहार किया। बुनियादी तौर पर आज की मुलाकात तकरीबन 15 साल बाद नवाज शरीफ और शुजात हुसैन मिले हैं। आखिरी मुलाकात इतलाफ के तारीख दिसंबर 2008 में हुई थी और उसके बाद टेलीफोनिक रबतों का सिलसिला तो जारी था, लेकिन उसके बाद मुलाकात उस तरह से नहीं हो सकी थी। अलबत् लंदन में सालक हुसैन नवाज शरीफ से मिले थे और उस वक्त शुजात हुसैन का पैगाम पहुंचाया था। तो आज की मुलाकात जो है इसका बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि आम इंतखाबात के लिए दोनों जमातें किस तरह सीट एडजस्टमेंट कर सकती हैं, क्योंकि साबित जो पीडीएम की इतिहादी हुकूमत थी उसमें मुस्लिम काफ जो है वो पार्टनर थी गवर्नमेंट की और उसमें शरीक इकतदार थी। तो अब जो इतलात मौसूल हो रही है मुस्लिम काफ की क्यादत 5 एमएनए और 10 एमपीए की सीटों पर जो है वो एडजस्टमेंट चाहती है और उसके लिए जो है आज देखा जाएगा कि मुस्लिम नून इस पर क्या ऑफर करती है कि मुस्लिम नून काफ लीग को कितनी सीटों पर एडजस्ट कर सकती है।
है जो जो उसके बाद जो है फिर मुस्लिम काफ की क्यादत आज रात को अपना दोबारा इजलास बुलाएगी, क्योंकि एक रोज पहले भी गुजश्ता रात को भी इजलास हुआ था जिसमें नवाजी की आमद से पहले अपना होमवर्क किया गया था कि वो किन किन हल्कों में सीट एडजस्टमेंट के लिए जो है वो पोटेंशियल कैंडिडेट रखते हैं और टू लीग के सामने क्या नुकसान नजर उठाया जाएगा। तो अब इस मुलाकात के बाद दोबारा से मुस्लिम काफ की क्यादत का भी अपना इजलास आज रात या कल होगा जिसमें देखा जाएगा कि नू लीग ने क्या ऑफर किया है, कितना अपना बजट दिखाई है। तो आज इस मुलाकात को एक तो हम सियासी तौर पर खैर ख्याली की मुलाकात कह सकते हैं, दूसरा इसको बाबी तावन बढ़ाने की तरफ पर जो है वो सीडीएम्स का एक तो देखा जाएगा कि मुस्लिम यूथ सीडीएम्स के तौर पर क्या ऑफर करती है सीट एडजस्टमेंट के लिए। तो ये सीट एडजस्टमेंट और इंतहाबी तावन के मामला भी इस मुलाकात का सर करीब एजेंडा है। और लियाकत ये भी बताइएगा आज की ये मुलाकात में कोई सरप्राइज भी होगा दीगर सियासी जमातों के लिए? देखिए सरप्राइज की बात तो उस तरह नहीं है, ये तो एक मुलाकात से नवाज शरीफ ने ऐलान किया था वतन वापसी के बाद कि वो अपनी जो साबिक इत्तेहादी हुकूमत के सरबराहान है उनसे मुलाकातें करेंगे। मौलाना फजलमान से भी मुलाकात की थी उन्होंने आज, कृष शुजात हुसैन से भी जो है वो मुलाकात की है। तो बुनियादी तौर पर तो ये मकसद उनका था कि जो उनकी माजी में इत्तेहादी। ठीक है लियाकत अली, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कायद मुस्लिम इग्नून नवाज शरीफ चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए उनकी रिहायश का पहुंच गए।